संस्कार टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं सजीत कुमार चौहान जो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड लगातार वीडियो बना रहा हूँ। और आपने देखा कि भाई पॉलिटेक्निक की अब डेट काफ़ी आगे बढ़ रही है, तो एक प्री प्लान होना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है सारे बच्चों के लिए, क्योंकि अब हमारे एग्ज़ाम के लिए अब आगे का प्लानिंग हम लोग किस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं उस पर मैं आज डिस्कस करना चाहूँगा। और ये वीडियो भाई जितने भी 9 महीने के बच्चे तैयारी कर रखे हैं ना, पुराने बच्चे, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और जो अभी रिसेंट लॉकडाउन में सारे बच्चे ने तैयारी किया है, नए बच्चे बहुत सारे जुड़ गए हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और आने वाले टाइम में जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी को बेहतर तरीके से नहीं किया है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे बच्चे अब तैयारी की पूरी प्लानिंग क्या होगी, इन सारे बच्चों की प्लानिंग के लिए मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला प्रश्न जो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर आखिर एग्ज़ाम कब होगा, ये तो क्लियर कर दीजिए पहले। हाँ भाई चलो मैं पहला सवाल से ही उठाता हूँ, एग्ज़ाम कब होगा। तो देखो भाई सबसे पहली बात कि मैं केवल डायरेक्ट ये नहीं कि भाषणबाजी कर दूँ कि हाँ भाई एग्ज़ाम ये होगा वो होगा, जो भी होनी चाहिए उसकी एक प्रमाणिकता होनी चाहिए। बिना प्रमाणिकता का कुछ बोलना शायद सही नहीं होता, इसलिए मैं काफ़ी लेट से ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत लोगों ने तो पहले से भविष्यवाणी कर दी कि एग्ज़ाम इतने तारीख को होगा, इस तारीख को होगा, लेकिन मैं ऐसा कोई भविष्यवाणी नहीं, मैं प्रमाणिकता के साथ आपसे बात करना चाहूँगा। तो देखो भाई सबसे पहली बात कि हमारे झारखंड और बिहार दो बच्चे हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो मैं इनके बारे में डिस्कस करता हूँ। झारखंड के बच्चों को मैं बता दूँ पहले कि झारखंड गवर्नमेंट का आप देखोगे कि भाई ये आ चुका है कि 31 जुलाई तक कोई भी स्कूल, कॉलेज या कोचिंग्स जो है ये ऑफलाइन नहीं खुलेंगे, मतलब कि अभी नहीं खोला जाएगा। मतलब ये तो फिक्स हो गया कि 31 जुलाई तक कोई भी स्कूल कॉलेज खुलने से रहा, तो इसका मतलब कि तब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट ने खुद कह दिया है कि जब 31 जुलाई तक आपका जो अनलॉक वन का जो सारी सिस्टम्स थे और प्लस स्कूल कॉलेज साफ साफ कह दिया गया है उसमें कि नहीं खुलेंगे, तो दैट मीन्स एग्ज़ाम तो 31 जुलाई तक पक्का है कि नहीं होगा, ये कन्फर्म मान लीजिए। दूसरी बात कि हम लोग CBSE के सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया उसके बाद CBSE ने अपने पूरे एग्ज़ाम को रद्द किया, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि हम लोग जान रहे थे कि CBSE का एग्ज़ाम जैसे ही 15 तारीख को ख़त्म होगा और सारे गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट उसी के पीछे पीछे अपना एग्ज़ाम लेकर कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा हम लोग आशा रख रहे थे। इसलिए मुझे उम्मीद था कि 15 जुलाई से एग्ज़ाम हो जाएगा, जिसके लिए हम लोग तैयारी भी उसी पैटर्न पर करवा रहे थे। लेकिन अब यहाँ चूँकि CBSE ने अपना एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया है, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रमाणिकता है कि भाई जब CBSE जैसे गवर्नमेंट का सेंट्रल बोर्ड अगर एग्ज़ाम को कैंसिल कर रही है तो स्टेट बोर्ड अभी बीच में जोखिम लेना नहीं चाहेगी। तो ऐसे कंडीशन में अब जुलाई में तो एग्ज़ाम होने से रहा। तीसरी बात मैं कह दूं रेलवे का, हाँ भाई रेलवे का एक बड़ा ऐलान जो कंटिन्यू किया गया है कि 12 अगस्त तक कोई भी ट्रेन्स नहीं चलाए जाएंगे, तो ये एक बड़ा इशू बन गया है कि 12 अगस्त तक कोई भी ट्रेन नहीं चलाया जाएगा। दैट मीन्स व्हाट, ऐसे कंडीशन में भाई कहीं भी बच्चे जो मान लो बिहार के बच्चे हैं वो भी सोचना चाह रहे होंगे, तो देखो भाई कोई भी बच्चे अगर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे ये एक बड़ा इशू हो जाएगा। और फॉर्म भरने के बाद आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने का ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में एक ट्रेन का ही मार्ग बनता है, ज़्यादा बस के थ्रू हो नहीं पाता ट्रैवलिंग, तो ट्रेन अगर बंद रहेगा तो फिर एग्ज़ाम जाने के लिए बहुत सारे सेंटर्स में बच्चों को दिक्कत होगी। और ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है, तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम जो है, मैं दोनों के लिए मिलाकर बात करूँ तो मुझे लगता है 15 अगस्त के बाद ही, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि 15 अगस्त के बाद इसलिए क्योंकि ऐसे सिचुएशंस में अगर रेलवे ने 12 अगस्त तक डेट दे दिया है तो झारखंड के लिए भी ये समस्या कहीं ना कहीं तो एक समस्या होगी। ऐसे कंडीशन में एग्ज़ाम 15 अगस्त तक के बाद ही मुझे होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो ये तो हो गई एग्ज़ाम की बात, अब आइए तैयारी। तो तैयारी के लिए भैया देखो यहाँ पक्का है कि हम लोग सारे भविष्यवाणियों को देखते हुए ये कह सकते हैं कि 31 जुलाई तक का कोई ना कोई प्लान पहले बना लिया जाए, क्योंकि उसके बाद 15 अगस्त तक देखा जाएगा, उस समय जब एग्ज़ाम का डेट आएगा तो फिर और भी प्लान, डेट आने के बाद तो बड़ा ज़ोरदार प्लान बनाने की ज़रूरत होती है। तो अभी डेट आने से पहले का प्लान, एक महीना जो है उसमें तैयारी कैसे करनी है, आइए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो तीन तरह के स्टूडेंट्स होंगे अभी फिलहाल जिनके लिए प्लानिंग की ज़रूरत है। सबसे पहला वे बच्चे जिनका कोर्स पूरा का पूरा बाकी है, हाँ भाई ऐसे बच्चे जिनका पूरा का पूरा कोर्स बाकी है और जो अब इस लॉकडाउन में सोच रहे हैं कि अब से सोचना स्टार्ट किए कि पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम दे दिया जाए, या नहीं तो भी जो बच्चे जिनको अभी तक पढ़ाई बहुत ज़्यादा टफ लग रहा था और जिनका बेस थोड़ा सा कमज़ोर है, वे बच्चे चाह रहे होंगे कि नहीं सर पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम बेहतर तरीके से निकालना है, तो उनके लिए भाई मैं फ्री ऑफ कॉस्ट व्यवस्था करवा दे रहा हूँ। बेसिक क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर एकदम इनिशियल लेवल से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक महीने में हम लोग क्लियर करेंगे
और ये सारी बेसिक क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, कोई चार्ज नहीं देना आपको। ये यूट्यूब पर होगा और ये सवेरे 7 से 9 के बीच होगा, मतलब कि सवेरे 7 से 9 के बीच आपको बेसिक क्लासेस लिए जाएंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा बेसिक्स मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के बेसिक क्या क्या कंप्लीट कर लीजिए, किससे आपका ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएगा, और ये सारे बेसिक क्लासेस आपको यूट्यूब के थ्रू कर दिया जाएगा। इससे फ़ायदा बाकी बच्चों को भी मिलेगा, क्योंकि इससे काफ़ी बेसिक लेवल जिनका जो चैप्टर खराब है, मान लो टेस्ट आप दे रहे हो, टेस्ट में कोई चैप्टर खराब जा रहा है, तो उसका बेसिक वीडियोस देखकर आप उसको क्लियर कर पाओगे। तो ये बेसिक क्लासेस यूट्यूब का काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप हमारे संस्कार टेक्निकल के जो इस चैनल से जुड़े हो तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा और बेसिक आपका काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे ऐप्स में। हाँ भाई, हम लोगों ने अभी संस्कार टेक्निकल ऐप बना रखा है, और इस ऐप में क्या होगा, तो इस ऐप में आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक मिलेगा टेस्ट और एक मिलेगा एडवांस क्लासेस। हाँ भाई, टेस्ट और एडवांस क्लासेस क्या होता है, तो देखो अब क्या होता है कि अब लगभग बच्चे एवरेज क्वेश्चन तो बना ले रहे हैं, मतलब कि 25 क्वेश्चंस बन जा रहा है, 20 क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन इसके बाद जो थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चंस होता है, जो थोड़ा एडवांस बेस होता है, ये क्वेश्चन छूटता है और इसी से रैंक बनाया जाता है। मतलब अब हम लोग काम करेंगे रैंक बनाने का, मतलब ये समझ लो कि आप 5,000-10,000 रैंक के बाद रैंक कैसे लाओगे, 100 रैंक के अंदर कैसे आओगे, 1,000 रैंक के अंदर कैसे आओगे, इसके लिए चाहिए आपको कुछ एडवांस क्लासेस। और यहाँ क्लासेस में क्वेश्चन बनाने का स्टाइल, क्योंकि एक क्वेश्चंस को अगर आप लंबा प्रोसेस से बना रहे हो, आप बना तो रहे हो, लेकिन अगर लंबा बना रहे हो तो इसमें आपको ट्रिक्स चाहिए कि किस ट्रिक से बनाओगे ताकि वो इजीली बन जाए, और अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसको लॉजिकल कैसे सोचना है, नेगेटिव कैसे कंट्रोल करना, बहुत सारी बातें आ जाती है। तो आ जाओ मैं आप इसके लिए बता देता हूँ कि इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। तो ऐप्स पर हमारा क्लासेस, संडे को मैंने पहला टेस्ट रखा है और उसके बाद मंडे से लगातार टेस्ट सीरीज चलेगा, मतलब कि 28 जून से 31 जुलाई तक ये पूरे के पूरे एडवांस डिस्कशंस और टेस्ट का सेशन हमारे ऐप्स पे चलने वाला है। तो मैं बता दूँ टेस्ट के लिए क्या होगा, तो देखो भाई टेस्ट में दो तरह के बच्चे हैं, एक CBSE के बच्चे हैं, एक हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी क्वेश्चंस होगा, और झारखंड के टोटल जितने बच्चे हैं उनके लिए 30 सेट होगा, 1 से 30 सेट का टेस्ट हम लोग लेंगे, और जितने भी बिहार के बच्चे हैं उनका भी 1 से 30 सेट होगा, जिसमें से 10 सेट पर्सनली अलग अलग होगा, मतलब कि जैसे झारखंड के पैटर्न और बिहार के पैटर्न में कुछ अंतर होता है, माइक्रो लेवल अंतर है, इस अंतर को अगर नज़दीक जाके देखें तो बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। तो ऐसे अंतर क्या क्या हैं उस पर रिलेटेड, चूंकि झारखंड का पर्सनल 10 सेट अलग होगा, 20 सेट दोनों का कॉमन होगा, और 10 सेट झारखंड के लिए स्पेशली होगा लास्ट का, और लास्ट का 10 सेट बिहार के लिए स्पेशल होगा, जो उस स्टेट लेवल पर आपको पता कर जाएंगे कि आपका इस स्टेट में क्या पोजीशन आने वाला है। मतलब लास्ट के 10 टेस्ट का अगर आप एवरेज निकाल लोगे कि उसमें नंबर कितना आ रहा है, तो आपका एग्जाम का नंबर उससे बड़ा मिलता जुलता होगा, ये बड़ा मजेदार है। मतलब आपको रिजल्ट आपका पहले पता चल जाएगा, तो लास्ट के 10 टेस्ट, मतलब 20 जुलाई से जो लास्ट में 10 टेस्ट होंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि वो टोटल क्वेश्चंस हम लोग काफ़ी डिज़ाइन करके बनवा रहे हैं, क्योंकि लास्ट का 10 टेस्ट एकदम एग्जाम ओरिएंटेड होगा और आपको पता चल जाएगा कि रिजल्ट कैसा होगा। बाकी 20 टेस्ट आपके कंटिन्यू प्रैक्टिस के लिए हैं, जिससे डिस्कशन से आप में साइनिंग आएगी, और लास्ट का 10 टेस्ट आप बहुत ही बेहतर कर लोगे। तो ये टोटल 30 सेट का ये टेस्ट, टोटल 30 टेस्ट हो जाएंगे, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद इंग्लिश वाले CBSE वाले बच्चे बोलेंगे, सर हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए, हम लोगों के लिए कुछ कीजिए। हाँ भाई, आप लोगों के लिए भी किया जा रहा है। आप लोगों के लिए भाई करना क्या है, तो आप लोगों का टोटल 15 सेट है, जिसमें से 5 सेट ईजी होगा, 5 एवरेज और 5 हार्ड। प्रत्येक सप्ताह 3 टेस्ट होंगे आपके अल्टरनेट में, इनका तो रेगुलर टेस्ट होगा, CBSE वाले बच्चों का 3 टेस्ट होगा अल्टरनेट में, एक इजी क्वेश्चन का होगा, एक एवरेज का, एक हार्ड का। क्वेश्चन का मैंने लेवल बदला है। इजी क्वेश्चन में आपको ये पता चलेगा कि आप ज़्यादा इजी क्वेश्चन आने पर आप टाइम कैसे मेंटेन करते हो, ट्रिक बेस कैसे करते हो, और हार्ड क्वेश्चन में आपको ये पता चलेगा कि जब क्वेश्चन आपको हवा नहीं लगे तो ऐसे कंडीशन में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाकर कैसे निकल सकते हैं, आपका अपने इंटरनल कॉन्फिडेंस, ये सारा चीज़ बिल्डअप करने की आवश्यकता होती है। तो ये हार्ड क्वेश्चंस और इजी क्वेश्चन जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और एवरेज तो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर ही लोगे, तो ये टोटल आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा। और मैं टाइमिंग बता दूं कैसे कैसे क्या होगा, भाई मैं सबका टाइमिंग भी बता दूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो जैसा मैंने बताया, बेसिक क्लास सवेरे 7 से 9 चलेगा, और टेस्ट के लिए भाई मैंने टाइम, चाहे टेस्ट के बच्चे भी बेसिक क्लास कर सकते हैं, और टेस्ट का टाइमिंग ऐप पर होगा, और ये 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक होगा। मतलब टेस्ट कितने बजे से होगा, 10 बजे से 12:30 बजे सवेरे, मैंने सवेरे 10 बजे टेस्ट स्टार्ट होगा, 12:30 बजे तक खत्म होगा। और करना क्या, आपको इस टेस्ट को देते ही आपका जो आंसर शीट होगा उसमें से देख लेना है कौन कौन क्वेश्चन आपका नहीं बना है, और 1 बजे, मैंने 1 बजे के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप में प्रत्येक टीचर का, मैथ्स के टीचर को मैथ्स का सेंड करेंगे, फिजिक्स का फिजिक्स, और केमिस्ट्री का केमिस्ट्री, कि सर ये नंबर का क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हुआ।
इसके बाद काम आएगा एडवांस प्रोसेस। हाँ भाई एडवांस, जो जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा और सर को लगेगा कि नहीं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये बताना चाहिए, तो हम लोग पूरे के पूरे 1500 क्वेश्चन का डिस्कशंस के प्लानिंग में है इस पूरे एक महीना में। लगभग 500 फिजिक्स, 500 केमिस्ट्री और 500 मैथमेटिक्स, जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेड होंगे। इसलिए 1500 क्वेश्चन इस टेस्ट में, जो जो क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा उसका डिस्कशन होगा, और वो होगा शाम को 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक। 4 घंटे का डिस्कशन है प्रत्येक टीचर का अलग अलग, मतलब मैथमेटिक्स का डिस्कशन मैं करवाऊंगा, संत प्रकाश सर फिजिक्स का करवाएंगे, नवीन सर केमिस्ट्री का करवाएंगे, और ये डिस्कशन टोटल पर डे चलेगा और ये लगातार 30 दिनों तक चलेगा, जहां आप एक बेहतर रिजल्ट आएगा ही आएगा और 100 रैंक के अंदर आएंगे आप, ऐसा विश्वास कर आपको पढ़ना है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हमने करवा दी है। अब आपके मन में ये आएगा कि सर इसके लिए कोई चार्ज भी देना होगा क्या? हाँ भाई, एप्स में देखो सबसे बड़ी बात है कि 30 दिन का क्लासेस टीचर का एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, ये बात आप लोग समझ ही रहे होंगे कि अब इस लॉकडाउन में भाई क्लासेस एक्स्ट्रा बढ़ रहा है तो मुझे टीचर्स को पे करना होगा। तो यहाँ देखो मैं 2 तरह का रखा हूँ, जिन बच्चों को भाई केवल टेस्ट देना है उन्हें ज़्यादा चार्ज नहीं देना है, आप डिस्कशन नहीं चाहते हैं, केवल टेस्ट देकर आप चाहते हैं कि मेरा 12:30 बजे तक काम खत्म हो जाए, तो आपको मात्र पे करने हैं 300 MCQ के बच्चे, जैसे 300 पे किए थे तो उन MCQ के बच्चों को 300 और पे करना होगा और टेस्ट में ज्वाइन कर लेंगे। मतलब सभी बच्चे 300 पे करेंगे, टेस्ट का पूरा मटेरियल उनको मिल जाएगा। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि नहीं सर मुझे टेस्ट के साथ डिस्कशन, चूंकि आप डिस्कशन जब करवा रहे हैं तो हम लोग डिस्कशन भी करेंगे, तो भाई ऐसे कंडीशन में क्लासेस होगा, क्लासेस का आपको 700, मतलब कि टोटल मिला दें तो 1000 का आपका पैकेज हो जाएगा, जो बच्चे टेस्ट विथ डिस्कशन चाहते हैं। लेकिन जो बच्चे केवल चाहते हैं एडवांस क्लासेस कि सर हम लोगों को डिस्कशंस के सारे वीडियो से ट्रिक सीखना है, क्योंकि ये सीखना पड़ता है, हर क्वेश्चन को कैसे बनाना है, उसका पैटर्न क्या होगा, बनाने का स्टाइल क्या होगा, कैसे लॉजिक लगता है, कैसे ट्रिक लगता है, ये सारा चीज़ अप्लाई करने का, तो आप 700 दे के एडवांस केवल डिस्कशन भी देख सकते हैं। लेकिन मेरा राय होगा कि जब 700 खर्च कर रहे हैं तो आप पूरा का पूरा 1000 एक्सपेंस करके पूरा पैकेज लें, और नहीं तो फिर टेस्ट का 300 का पैक लें, जो आपके लिए फ़ायदा होगा। और अगर दिक्कत हो रही होगी तो एक बात, जिन बच्चों के साथ प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, एंड इन बच्चों के लिए भाई बेसिक मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट में करवा दिया है, और संडे टू संडे मैं यहां पर फ्री टेस्ट भी लूंगा अपने टेलीग्राम में, संस्कार टेक्निकल का जो टेलीग्राम है वहां संडे टू संडे फ्री टेस्ट चलेगा आप लोगों का। जो बच्चे मान लो इसमें नहीं जुड़ सकते हैं लॉकडाउन में, उनके साथ इकोनॉमिकल दिक्कत है, ऐसे बच्चे कम से कम संडे टू संडे जरूर टेस्ट दे पाएंगे, उनको टेलीग्राम में मैं संडे टू संडे उनका टेस्ट ले लूँगा और उनका बेसिक क्लासेस मैं कंटिन्यू ले रहा हूँ, तो रिजल्ट लगभग एक बन जाएगा सभी स्टूडेंट का। तो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा, इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, पूरे सिस्टम को समझ लीजिए। अब मतलब पढ़ाई कितने बजे से स्टार्ट हो रही है? 7 बजे। आप पहले YouTube पर बेसिक पढ़ेंगे 7 से 9, उसके बाद टेस्ट में आ जाएंगे 10 बजे से 1 घंटा ब्रेक है, आप उस समय भोजन उजन कर लें, नाश्ता करने के बाद आप सीधे टेस्ट 10 से 12:30, और 12:30 के बाद आधा घंटा में देख लीजिए कौन कौन क्वेश्चन नहीं बना, उसको क्वेश्चन नंबर क्यों लिख कर आप WhatsApp में सेंड किए टीचर को, और इसके बाद आप दोपहर का भोजन कर जरूर एक रेस्ट ले लीजिए भाई, कंटिन्यू मोबाइल पे नहीं रखना है। यहाँ पर मैं कहूँगा कि 1 बजे के बाद 1 घंटा या आधा घंटा जरूर सो लें, ताकि आप रिचार्ज हो जाएं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद भाई डिस्कशंस में लग जाएं, और 4 से 8 का डिस्कशन होगा, और डिस्कशन के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो भाई लाइव मैं 9 बजे आप लोगों को यूट्यूब में मिलूंगा, और जैसे अभी मैं लाइव आपको बताऊंगा 9 बजे आकर कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, और 10 बजे इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम या कोई एक्स्ट्रा चैप्टर पढ़ाना रहे, कोई प्रॉब्लम रहे, तो फिर रात का तो अपना ड्यूटी है ही, तो वो 10 बजे हम लोग 10 से लेकर 11:12 जो भी हो ऐप पर कर लेंगे। तो चलो भाई ये वीडियो छोटा सा था कि आप लोग पॉलिटेक्निक की तैयारी कैसे करें। उम्मीद है कि ये पूरा जुलाई सेशन आपके लिए बहुत ही भयंकर होने वाला है, रिजल्ट एक बेस्ट होगा। इसी आशा के साथ चलिए भाई आज का ये वीडियो खत्म करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।